नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से चैनल YouTube पर। आज मैं आपका अपने वीडियो में जन्माष्टमी की पूजा की विधि बताने जा रही हूँ। शुक्रवार 23 अगस्त 2019 को जन्माष्टमी का त्यौहार है। भाद्र मास की अष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार हम सब प्रति वर्ष मनाते हैं। हम कैसे मनाएं इस वर्ष और श्री कृष्ण जी की कृपा के पात्र बने, सबसे पहले हमें सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और अपने घर को साफ सुथरा सुंदर सजाना चाहिए। उसके बाद पूजा की सामग्री तैयार करनी चाहिए। भगवान कृष्ण का सुंदर सा मंजन करने के बाद उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाएं। उसके बाद प्रसाद और पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले हम प्रभु का ध्यान करके जगत के पालनहारा की कृपा पाने के लिए पूरे मन से उनकी तैयारी करें। सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान कृष्ण की यदि कृपा हमारे जीवन में हो जाए तो हम धन्य धन्य हो जाएं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर एक प्यारी सी रंगोली बना लेनी चाहिए। उस रंगोली के साथ साथ हमें अपने मुख्य द्वार पर आम के पत्ते, केले के पत्ते और अशोक के पत्ते, फूलों से बना हुआ बंधन माला लगाना चाहिए। बंधन माले के साथ साथ हमारे घर के आसपास साफ सफाई दिखे उसके लिए हमें पूरी तरह से उत्साहित होना चाहिए और साफ सफाई की व्यवस्था बना के चलना चाहिए। प्रसाद के लिए हमें सबसे पहले पंचामृत तैयार करना चाहिए, फिर हलवा मोहन भोग की तैयारी करनी चाहिए, मोहन भोग बना के रखना चाहिए। फल की खीरा बस तथा मीठा खीर, पूरी, सब्जी, रायता, पकवान, मालपुआ, छप्पन भोग, जो भी भगवान को अति प्रिय है उन सब के लिए हमें बनाकर भगवान के प्रसाद को अर्पण करना चाहिए। और सारा प्रसाद भगवान को अर्पण करने के बाद गाय को अवश्य खिलाएं, जिससे कि गाय श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिय सखा रही, उनके बीच वो हमेशा रहे। तो इसलिए हम कृष्ण भगवान को जैसे ही ये प्रसाद गाय को खिलाते हैं तो हमारे ऊपर अपार कृपा भगवान कृष्ण की होती है। और जैसे ही हम भगवान का जन्म करते हैं पूजन विधि के बाद भगवान का प्रसाद सभी को वितरण करते हैं। सबसे पहले हम जन्म के समय पर यह गाना गाते हैं, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इस तरह से गुणगान करने के बाद हम भगवान कृष्ण का जन्म पूरी ढोल मजीरे के साथ भगवान का जन्म करते हैं, नाच गाने के साथ। और जब जन्म उत्सव होता है उसके बाद सभी लोग घर में मिठाई प्रसाद वितरण होता है और जयकारे के नारे लगते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय, नंद के आनंद भव, जय कन्हैया लाल की जय, बोलो बलदाव की जय, कन्हैया लाल की जय, बोलो जगत के पालनहार की, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण जन्माष्टमी की जय।